हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल भाई तेरा यूट्यूबर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपने मैंने जो फ़ोटो खींचा है वो कुछ इस तरह का है, आपने भी कुछ इस तरह का फ़ोटो खींच लेना है। ये देख सकते हो दोस्तों, इस तरह का फ़ोटो आपने, बैकग्राउंड में हरे पत्ते होने चाहिए ताकि फ़ोटो की एडिटिंग में जो हम हरे पत्तों को एडिट करके येल्लो कर सके। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, सेंड से जाके इसको ऐड टू एलआर कर देना है। ऐड टू एलआर होने के बाद दोस्तों, इधर इम्पोर्ट हो जाएगा ये एलआर में और ये इम्पोर्ट फिनिश्ड हो जाएगा। इधर आपने क्लिक करना है, ऑल फोटो पे जाके चेक करना है दोस्तों, ये आपका फ़ोटो आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इसका दो टेम्परेचर कर देना है और दो ही इसकी सिचुएशन बढ़ा देनी है। अब आपने क्या करना है, ग्रीन पे जाके क्लिक करना है और इसकी ह्यू को बिल्कुल ही डाउन कर देना है और सिचुएशन को बढ़ा देना है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ग्रीन हो गया। अब आपने येल्लो कलर पर जाना है तो थोड़ा सा इसका येलो कलर का ह्यू थोड़ा सा डाउन करना है दोस्तों, और इसका सिचुएशन फुल कर देना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आपका, आप जो फ़ोटो एडिटिंग है वो एकदम से येलो हो गया। अब आपने क्या करना है कि इधर जाना है और इसका थोड़ा सा इधर से ह्यू चेंज करके इधर से आप देख सकते हो, और इसका थोड़ा डाउन करके दोस्तों, इस तरह से हम इस फोटो में थोड़ा सा, हमारे पैंट का कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर डन पे क्लिक कर देना है और आपने क्लियरिटी पे थोड़ी क्लिक करना है। क्लियरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने बिग नेट इसकी थोड़ी सी डाउन करनी है। बिग नेट डाउन करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो आप, इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग अच्छा हो जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ा देनी ताकि फ़ोटो अट्रैक्टिव नज़र आए, और शार्पनिंग भी बढ़ा देनी है दोस्तों आपने, ताकि आपका फ़ोटो की जो क्लियरिटी थोड़ी और अच्छी नज़र आए। तो दोस्तों, नॉइज़ रिडक्शन कर देंगे, इसमें आपका फ़ोटो स्मूथ हो जाएगा। और दोस्तों, देख सकते हो आपका फ़ोटो एडिट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि सेव टू डिवाइस कर देना। अब दोस्तों, इस पर आपने सिग्नेचर कैसे लगानी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। अब आपने क्या करना है कि पिक्सल लैब जो है उस पर क्लिक करना है। पिक्सल लैब में जाके कैंसिल करके इधर आपने इम्पोर्ट फ्रॉम यूज़ फ्रॉम गैलरी से सिलेक्ट करना है और इस फ़ोटो को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। और दोस्तों, इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करके प्लस किया बटन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से आपने इस पे सिग्नेचर ऐड करने हैं दोस्तों, जो सिग्नेचर मैंने पहले से बनाए हुए हैं पीएनजी में। इस सिग्नेचर को मैंने अब इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देंगे दोस्तों, और देख सकते हो आप, हमने क्या करना है, इसके जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो को इनेबल कर देना है। आप किस कलर का शेडो यूज़ करना चाहते हो उस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। मैं इधर वाइट कलर का शेडो अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों, मेरे को ये ऑरेंज कलर का ठीक लग रहा है ताकि थोड़ा सा नज़र भी आना चाहिए ना। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और ये एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जाके अल्ट्रा पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर देना है दोस्तों। आपका फ़ोटो एडिट हो चुका है, आप अपनी गैलरी में जाके देख सकते हो। अब मैं आपको दिखा दूँ जो फ़ोटो मैंने एडिट करा है, तो दोस्तों वो फ़ोटो ये है, देख सकते हैं दोस्तों, ये येलो बैकग्राउंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम ऐसी वीडियो और अपलोड करें और आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।